कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में एस्पिरेंट्स में ये मोस्टली देखा जाता है कि वो अपने सब्जेक्ट में फोकस करने के बजाय, अपने टॉपिक में फोकस करने के बजाय अपने फ्रेंड्स में वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अब वो सोचते रहते हैं कि मेरे फ्रेंड का तो सिलेबस भी कवरेज हो चुका है, उसने दो बार रिविज़न भी कर चुका है, मल्टीपल टेस्ट सीरीज भी अटैम्प्ट कर चुके हैं, और जबकि मेरा एक बार भी सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो मतलब इस बार मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। मैं आने वाले अगले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करूंगा, इस एग्जामिनेशन को जाने देता हूं, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। यहीं आप गलतियां करते हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। आप टेस्ट सीरीज लगाइए, रिवीजन करिए, अपने काम पे फोकस करिए, किसी और चीजों पे फोकस मेंटेन नहीं करिए। आपका दोस्त कितना सिलेबस कवर कर लिया है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। केवल आपका दोस्त उसमें परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। केवल और केवल आपके हार्डवर्क पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। हार्डवर्क करते रहिए, स्मार्ट वर्क से रिवीजन करते रहिए, सिलेबस एनालाइज करिए, प्रॉपरली टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। सिलेक्शन आपका होगा जब आप टेस्ट सीरीज ये सारी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो फिर सिलेक्शन रुकने की कोई बात ही नहीं होती है। तो केवल अपने आप पर विश्वास रखिए और कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। और याद रखिएगा कि लोहे में जो जंग रहता है उसका खुद का जंग उसे नष्ट कर देता है। तो इन सारी चीज़ों के छोटी छोटी चीज़ों से दूर रहिए, अपने आप पे फोकस करिए। थैंक यू वेरी मच।